मेरे भाइयों बहने, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर इल्म हासिल करने का जज्बा है, तालीम का जज्बा है, लेकिन एहतियात नहीं है। एहतियात बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप पानी पीते हो, प्यास लगी है, तो घर में कौन सा पानी पीते हैं आप? कौन सा पानी पीते हैं? हाँ, फिर भी साफ करके, हाँ, नॉर्मली फिल्टर्ड। कोई बॉइल करता है, कोई पैकेज वाटर लेता है, क्यों? गटर में भी तो पानी होता है, हाँ, समंदर में भी तो पानी है, वो भी तो पानी है, लेकिन वो पानी हम डायरेक्ट नहीं पीते, क्यों? सेहत खराब हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं मेरे भाइयों बहने कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इल्म हासिल करने में एहतियात हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो चेक करो। कोई फासिक, कोई बुरा शख्स खबर लेकर आए, फतबय्यनू, चेक करो। हम देखते हैं कि इब्न सीरीन का कॉल है, वो कहते हैं इन हादल इल्म दीन, ये इल्म तो दीन है, फंजुरू अमन ताखुजूना दीनकुम, देख लो किसके पास से अपना दीन ले रहे हो, इल्म कहां से हासिल कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहने। हम देखते हैं कि इल्म हासिल करने की जज्बा खाली काफी नहीं है, क्योंकि जज्बे के साथ साथ एहतियात होना चाहिए। सोना खरीदते हैं, कैसे खरीद रहे हैं भाई? सोना खरीदने में कुछ अलग अलग निशानियां आती है जिससे पता चलता है ये प्योर गोल्ड है। सुनार होते हैं जो चेक करके देते हैं कि भाई इसके अंदर इतने परसेंटेज प्योर गोल्ड है, ये इतने परसेंट गोल्ड है। एक इंसान अगर दुनियावी तौर पर भी कोई चीज लेता है तो बिल्कुल एहतियात के साथ चेक करता है। प्रोडक्ट्स खरीदते हैं बहुत सारी तो एक्सपायरी डेट चेक करते हैं मेरे भाइयों, क्यों? क्योंकि दुनिया की चीज है। हालांकि दुनिया के नुकसान तो बहुत छोटा है, लेकिन आखिरत असल है। वल आखिरतु खैरु वाबका, आखिरत खैर है और बाकी रहने वाली है। तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इल्म हासिल करने में एहतियात भी रखें। कहां से हासिल कर रहे हो? देखिए मेरे भाइयों बहने, एक बहुत कॉमन बात है, बहुत क्लियर बात है। आज ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो कहेंगे कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए दरमियान में कोई चाहिए। हालांकि कुरान में क्या कहा गया है, सूरह काफ सूरह 50 आयत नंबर 16, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब हूं। है वो भी इल्म हुआ ना। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि दीन के नाम में कोई भी चीज सही गलत, हदीस सही ज़ईफ नहीं, हदीस तो है ना भाई। हालांकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कदबा अलैया मुतामिदन फलयतबव्वा मक़दहू मिनन नार, जो मेरे नाम में जानबूझ के झूठी बात मंसूब करेगा अपने लिए जहन्नम की आग में जगह बना लेगा। सही बुखारी की हदीस है ये। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में कोई भी बात बयान करे नहीं, कंफर्म बात है, साबित बात है कि नहीं बात है। कई लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छी बिदत और बुरी बिदत, दो टाइप की बिदत होती है। हालांकि सही मुस्लिम की हदीस है कुल्लु बिदअतिन दलाला, सारी की सारी बिदतें गुमराही है। तो अब यहां पर मसला क्या है भाई, आम आदमी को उलमा की तरफ रिफर करना है, लेकिन उलमा के अंदर बहुत सारे टाइप के उलमा है, बहुत सारे टाइप के स्कॉलर्स हैं। तो क्या करना होगा? तो बहुत जरूरी है कि हम इसके अंदर सही मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करें और समझें। मेरे भाइयों देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सही मनहज, सही मेथोडोलॉजी पहले समझें। देखिए गलती सबसे होती है, अच्छे लोगों से भी होती है, लेकिन गुमराही अलग चीज है। गुमराही क्या है कि किसी का फॉर्मूला ही गलत हो गया है। तो अब यहां पर बहुत जरूरी है कि इल्म हासिल करने से पहले भाई कोई भी सोर्स जहां से हासिल कर रहे हैं, हासिल करने में एहतियात होनी चाहिए, नहीं तो सब इल्म मिक्स हो जाएगा। अगर हम इस चीज में एहतियात नहीं बरतेंगे तो हमारे पास जो भी इल्म होगा वो भी वैसे मिक्सडअप होगा इल्म। तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि जो हम इल्म हासिल करें वो कन्फर्म्ड साबितशुदा कुरान और सही हदीस, सहाबा सलफुस सालिहीन के फहम के मुताबिक हो। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो इल्म तो आ जाएगा लेकिन सब मिक्स। फिर क्या होगा, गटर का पानी, साफ पानी, सब मिक्स हो गया, तो टोटल मिक्स हो गया ना। तो हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम कंफर्म साबित शुदा इल्म हासिल करें। وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ।